हेलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं इसी चैप्टर में। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चे, थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। इसमें चार ऑप्शन दिए और हमें फाइंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, पॉलिनेशन बाय वेंट इज मोर कॉमन एमंग्स ए बायोटिक पॉलिनेशन। तो बच्चों, ए बायोटिक पॉलिनेशन में जो विंड के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है, विंड के थ्रू, हवा के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये मोस्ट कॉमन ही है। ज्यादातर ये पॉलिनेशन विंड के ही थ्रू थ्रू होता है। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट हो गया। एंड सेकेंड ऑप्शन है, फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्लावर ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड। तो बच्चों, जो फ्लावर्स है, हाँ, वो फ्लावर्स की जो महक होती है, स्मेल है, उसी को ही वो अट्रैक्ट करती हैं किसी फ्लाइज, बटरफ्लाइज को। तो ये भी पॉलिनेशन के कारण हो सकते हैं। तो हाँ, ये भी सही है। एंड थर्ड ऑप्शन है, मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट एमंग इंसेक्ट। तो यहाँ पे ये गलत है कि जो बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स हैं, मतलब कि ये नहीं होगा इंसेक्ट के बीच के मोस्ट डोमिनेंट एजेंट है। नहीं, इसे इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं कि जैसे हनी बी है, हनी बी मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकता है या मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकता है। किसके बीच? एनिमल के बीच, अमंग एनिमल्स, नॉट इंसेक्ट्स। ओके, तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब हम फोर्थ देख लेते हैं, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हाँ, वाटर के द्वारा तो बहुत ही कम पॉलिनेशन होगा, मतलब रेयर ही प्लांट्स में मिलेंगे, जैसे कि जो फ्लावर जो वाटरी प्लांट्स होंगे उसमें मिल सकता है, बट वाटर के थ्रू कम ही मिलेगा। तो इसमें जो इनकरेक्ट है ऑप्शन, वो थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन को हम लोग इनकरेक्ट दिखाएंगे, सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ये रहा आपका आंसर। थर्ड, थैंक यू।